टू फैमिली। तो थंबनेल देख के आप सबको लग ही गया होगा जब मैं बीमार हूँ। कल से मुझे बहुत वोमिटिंग हो रहा है, तो लगभग मैं 10 से ज्यादा बार वोमिटिंग कर चुकी हूँ। तो उसके बाद से तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गया कि मुझे इमरजेंसी में दिखाना पड़ा। तो वहाँ पे वोमिटिंग रोकने के लिए सुई वगैरह और 2 सैलिन दिए थे। तो जैसे कि आप सबने देखा, तो ये अब भी मुझे छुड़ा के गया है। और मेरा जो हैंड का ये जगह है वो फूल भी गया है, क्योंकि सैलिन थोड़ा गड़बड़ी, मेरा थोड़ा बहन का प्रॉब्लम है, तो नस नहीं मिलते हैं जल्दी से, तो वो प्रॉब्लम है। तो अगर फूल जाता है हाथ तो वही है। दिन तो कल से हालत खराब है, आप लोगों को मेरा फेस देख के ही पता चल रहा होगा। तो इसी हालत में आज ससुराल भी जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कल ही आ गए थे लेने के लिए। तो कल शाम के बाद ही मेरा तबीयत खराब हुआ अचानक से, तो क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, जाना तो पड़ेगा ही। तो वैसे तो गाड़ी में ही जाना है, तो अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ कल से, तो अभी रेडी हो जाऊंगी, तो उसके बाद ससुराल जाना है। तो यहाँ का बस मैं शादी के लिए आई थी, तो शादी में रुक भी गई और आना जाना चल ही रहा है मायके ससुराल से। लेकिन अब लगता है शायद अब नहीं आ पाऊंगी बहुत जल्दी, क्योंकि अब और कुछ ओकेजन भी नहीं है। तो देखती हूँ इसके बाद आने का कोई जल्दी कोई प्रोग्राम है नहीं अभी। तो फिलहाल मेरा तबीयत भी उतना खास ठीक नहीं है, वहाँ जाके भी पहले देखती हूँ, वहाँ जाके भी मुझे कुछ दिन रेस्ट ही करूँगी। तो थोड़ी देर में मैं निकलूँगी ससुराल के लिए, तो आप सब भी ब्लॉग में बने रहिए। आज थोड़ा मन नहीं है ब्लॉग करने का, फिर भी सोचा कि क्योंकि मैं जा रही हूँ तो ये अपडेट दे देती हूँ, फिर तो नहीं तो अचानक से ससुराल का ब्लॉग मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इसीलिए तो अभी फिलहाल मेरा तब बोलने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी आप सबके लिए मैं थोड़ा सा कोशिश सोचा कि थोड़ा सा अपडेट कर देती हूँ इसी वजह से। तो ब्लॉग में बने रहिए, देखती हूँ इस ब्लॉग को कहाँ जाके एंड करती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ ससुराल जाने के लिए, लगभग मेरा पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो अभी निकलूँगी। ज़्यादा वीडियो तो मैं नहीं कर पाई, मतलब वैसे भी घर जाने के टाइम किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो जाने के टाइम उतना वीडियो नहीं हुआ। और मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बोलूँ वीडियो बना के, एक तो तबीयत ख़राब था और ऊपर से घर बहुत दिन रुकना हो गया था, तो जाने में बहुत ख़राब भी लग रहा था, मन भी बहुत ख़राब हो गया था। तो समझ सकते हैं जो जो भी अपने मायके से जा रहे होते हैं उनको कितना ख़राब लगता है। तो माँ का घर तो माँ का घर ही होता है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को उस टाइम एंडिंग भी नहीं किया, अभी बोला। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुँच ही जाऊँगी। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।